Running is like meditation for me, and especially ultra running. When I run, I talk to myself. I try to connect my inner self. कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या? What I want to become in life? When I run, when I do ultra running, when I run my events, when I do my training, तो कहीं ना कहीं मैं एक inner self से connect होता हूँ. मैं खुद से बातें करता हूँ. और जिस दिन आपने अपने आप से connect कर लिया, उस दिन आपको running एक joy लगेगा. Not burden. Till plus two, I was a sprinter in 200 meter and 400 meter category. Because of studies and some other family responsibilities, तो running से मेरा बिल्कुल cut off हो गया था. ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ड्यूरिंग पीएचडी लेट नाइट तक लैब में काम करो, फिर सुबह उठा नहीं जाता था. सो टिल 2014 आई वाज नॉट एट ऑल इनटू रनिंग. आई वाज एक्टिव इन अदर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, बट लाइक रनिंग का मेरा कभी नहीं था ऐसा. बचपन में किया, उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ था. उस टाइम पर क्या हुआ, आई वॉज गेनिंग ए लॉट ऑफ वेट एंड थोड़ा ड्यूरिंग पीएचडी जो रिसर्च का स्ट्रेस होता है उसकी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था. सो जो एक मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल थी, मैं कहीं ना कहीं उससे बहुत दूर जा रहा था. फिर सडनली क्या हुआ, लाइक मेरी मैरिज फिक्स हो गई, तो तब मुझे हुआ कि थोड़ा ठीक है, अब अपना वेट कम करते हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, उसको अंदर करना है. सो आई स्टार्ट रनिंग अगेन विद चंडीगढ़ रनर्स. सो लाइक वन संडे एट रॉक गार्डन, उनका कोई एक इवेंट होने वाला था उसके नेक्स्ट वीकेंड हाफ मैराथन का. सो उसके लिए वो अपना 10K और 15K का कुछ उन्होंने अपना रन प्लान किया हुआ था. सो आई स्टार्ट रनिंग विद देम एंड व्हाट हैपन आफ्टर 500 मीटर और 600 मीटर आई स्टार्ट वॉकिंग, मुझसे रनिंग हुआ ही नहीं. एंड आई सो कि जो लाइक जो रनर्स थे 45 प्लस 50 प्लस, वो आराम से 10K और 15K फिनिश कर रहे थे. देन आई थॉट कि यार लाइक इट माइट बी ए सिग्नल कि मेरी हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है, कि आई एम नॉट एबल टू रन इवन ए सिंगल किलोमीटर इन ए स्ट्रेच. सो उस दिन से थोड़ा सा हुआ मुझे कि नहीं, आई विल कंटिन्यू, चाहे एक किलोमीटर हो, दो हो, जितना भी होता है, आई विल कंटिन्यू माई रन. सो वहाँ से बेसिकली मेरा रनिंग का स्टार्ट हुआ. आई वॉज नॉट अवेयर कि लाइक जो मैराथन वाली कोई चीज़ है वो इंडिया में भी कहीं होती है. सो जब उस ग्रुप से इंट्रोड्यूस हुआ, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी कोई मैराथन के इवेंट होते हैं, दिल्ली में होते हैं, मुंबई में होते हैं. सो देन आई स्टार्ट लुकिंग ऑन इंटरनेट कि क्या होता है ये सब कुछ, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड मेरे उसमें था कि ये सब कहीं जहाँ से मैराथन कभी स्टार्ट हुआ है या ओलंपिक होते हैं, ये सिर्फ उसी के लिए होता है, रेगुलर लोग इतना रन करते हैं, आई वॉज नॉट अवेयर. सो मैंने देखा कोई एक इवेंट होना था, एक पंचकुला में कोई हाफ मैराथन थी, उसके बाद नोएडा में कोई हाफ मैराथन होनी थी, तो मैंने दोनों वो साइन कर ली कि ठीक है, ट्रेनिंग होती रहेगी, करके देखते हैं मैक्सिमम क्या होगा, वॉक करके फिनिश कर देंगे या नहीं होगी, इतना होगा, बट एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं कि होता क्या है. धीरे धीरे लाइक आई स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ. फिर मैंने अपना रनिंग को एक अपना रेगुलर पार्ट बना लिया अपनी लाइफस्टाइल का. तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले जो फुल मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. सो उनका क्या होता था कि लाइक व्हेन दे टॉक अबाउट देयर एक्टिविटी के वीकेंड पे हमने लॉन्ग रन करना है, लॉन्ग रन कितना जी, 30 प्लस. तो एक बार तो सुन के मुझे लगता था यार रहने देते हैं, बट अगेन मैंने हिम्मत की एंड आई टॉक टू देम कि मुझसे जितना होगा मैं उतना कर लूँगा, आई विल गो विद यू. वी स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग एंड लाइक जैसे ही मेरा 21-22 हुआ, आई स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, मैं और कर सकता हूँ. मेरा 25-26-28-30 पे पहुँचा, तो मैंने देखा कि आई वॉज लीडिंग द बैच. वो जितने रनर्स थे जो फुल मैराथन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, मैं सबसे आगे चला हुआ था उनमें. एंड 35 किलोमीटर का मैंने सबसे पहले फिनिश किया. तो बट उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जितनी ज़्यादा रनिंग कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मुझे उतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है. वहाँ पे क्या था, एक चंडीगढ़ से जो लाइक फर्स्ट अल्ट्रा रन आई कैन से, डॉक्टर विशाल गुप्ता, ही वॉज रनिंग विद मी. तो उन्होंने अपना कोई इवेंट साइन अप किया हुआ था, भाटी लेक अल्ट्रा, मुझे वो बाद में पता चला,
सो ही वॉज रनिंग विद मी कि मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितना करते हो, तो इज दैट कि मेरा ट्रेनिंग रन है, मैंने अपना एक इवेंट करना है भाटी लेक अल्ट्रा, 80 किलोमीटर में मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो लाइक सुन के मुझे लगा अच्छा 80 किलोमीटर ऑफिशियल भी होता है, तो ही टोल्ड मी वहाँ पे 80 भी होता है, 100, 160, 200 आपने जितना भी करना है। तो मुझे लगा कि नहीं पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो आई सेड कि सर अगर अभी हो सकता है तो मैं 80 करने में इंटरेस्टेड हूँ। अक्टूबर फर्स्ट वीक 15 में मैंने वो अपना फर्स्ट अल्ट्रा किया एंड आई वॉज द विनर देयर। फिर वहाँ से लाइक मैंने तो फिर वो पूरा इंटरनेट बैठ के पढ़ डाला कि अल्ट्रा रनिंग होती क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। देन अगेन इन 2016 आई हेयर्ड अबाउट टफ मैन शिमला अल्ट्रा, सो मैंने रजिस्टर किया 70 के में एंड आई वॉज विनर देयर ऑल्सो। आई डिड वेरी गुड टाइम, 7 hours 42 minutes समथिंग था। आई कैन से दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी बेसिकली इन अल्ट्रा, जहाँ से लाइक मुझे खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं आई कैन डू गुड इन अल्ट्राज ऑल्सो। माई बॉडी बेसिकली वॉज सपोर्टिंग मी कि ठीक है लाइक एक्सटेंड योर लिमिट, एक टेस्ट अपना एक टेस्ट करते हैं कितनी आपकी बॉडी कहाँ तक जा सकती है। तो दैट वॉज द लाइक आई कैन से स्टार्टिंग ऑफ माई अल्ट्रा रनिंग कैरियर। फ्रॉम दैट डे टिल नाउ लाइक मेरा होता है कि मेन माई फोकस इज ओनली अल्ट्रा रनिंग, सो वहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ है। वेन एवर आई एम स्टैंडिंग एट स्टार्ट लाइन ऑफ माई इवेंट, मेरे माइंड में एक डर होता है कि बस मुझे कोई पेन या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी बॉडी में, अगर वो नहीं होता तो आई वॉन्ट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो फिनिश करूँगा चाहे जितना भी डिस्टेंस है। सेकेंड चीज़ जो मेरे माइंड में होती है, मेरा लाइक कंसेप्ट होता है खुद से कॉम्पिट करने का, नॉट विद अदर रनर्स, क्योंकि लाइक जो भी वहाँ पर आया है जो स्टार्ट लाइन पर खड़ा है वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके आया है, वो ये सोच के आया है कि उसने अपना बेस्ट देना है। एंड सेम विद मी, अगर मैं स्टार्ट लाइन पे खड़ा होता हूँ तो मेरा होता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, ना कि मुझे किसी और से कॉम्पिट करना है। अगर मैं इस इवेंट में मैं पिछले से अच्छा प्रिपेयर हूँ तो मुझे इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई टाइमिंग्स, सो इफ आई से मेरा खुद से ही अपना एक कॉम्पिटिशन होता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है जिसको मैं सबसे ज़्यादा अल्ट्रा रनिंग में एंजॉय करता हूँ। थर्ड वन इज इफ आई से व्हेन आई एम डूइंग अल्ट्रा रनिंग आई डोंट यूज़ माई माइंड, क्योंकि अल्ट्रा आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट अल्ट्रा इज़ ऑल अबाउट माइंड, आपका माइंड आपके साथ गेम प्ले करता है, आपको वो थाउजेंड ऑफ रीज़न देगा रुकने के लिए कि नहीं तुझे ये हो रहा है तो रुक जा, तुझे ये हो रहा है तो रुक जा, वो फिर आपने डिसाइड करना है कि उसको ओवरकम कैसे करना है अपने माइंड को। सो बेस्ट इज के शट योर माउथ माइंड एंड जस्ट रन। अल्ट्रा रनिंग में क्या होता है कि आप 10-12 घंटे अपना एक टाइम अपने आप को देते हो, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होना है, यू नो आपने क्या आज तक गलतियाँ की हैं, आप उनको कैसे सुधार सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे आगे बेटर कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो आपका टाइम निकल जाता है और आपकी वो डिस्टेंस भी कम्प्लीट हो जाती है, आपको लाइक आपको पता भी नहीं चलता है कि यू आर अबाउट टू फिनिश योर रेस। आई गेट इंस्पायर्ड बाई ईच एंड एवरी रनर जो भी मुझे क्रॉस करता है ड्यूरिंग अर्ली वर्कआउट और इवनिंग में, हु इज़ एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, कभी भी दिन में अपना टाइम लगा के अपना वर्कआउट करता है। हर कोई वर्किंग होता है, उनकी अपनी फैमिलीज होती हैं, स्टिल दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थी लाइफस्टाइल, दे आर मेंटेनिंग देयर पैशन, दे आर रनिंग, दे आर अटेंडिंग इवेंट्स, वेदर इट्स हाफ मैराथन, फुल मैराथन और अल्ट्रा रनिंग। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन वन शुड कैच फ्रॉम ईच अदर। मैं अगर किसी भी इवेंट में जाता हूँ या एक इवेंट के बाद जो मैं दूसरा इवेंट करता हूँ, मैं वो उस तरह से चूज़ करता हूँ कि एटलीस्ट आई एम एबल टू नो माई कैपेबिलिटीज़, कि मेरी बॉडी कहाँ तक किस स्ट्रेस को किस कंडीशन में झेल सकती है। जो एक आपकी इनर वॉइस होती है, आपकी बॉडी से जो एक आपको सपोर्ट आती है, आपकी बॉडी आपको खुद बोलती है कि नहीं यू कैन डू मोर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपनी एक लाइक यू कैन से जो मेरी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैं टेस्ट करता हूँ। आई वॉन्ट टू सी माई बॉडी की उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, वो कहाँ तक मुझे सपोर्ट कर सकती है।
2 years back when I came into ultra running and I read about all ultra running events in India as well as outside of India. So that time I read about Spartathlon. Spartathlon is one of the oldest and one of the famous event, ultra running event of world, जो कि ग्रीस में होता है. It ran from Athens till Sparta. To apply for this event is again a very different reason. So they give a crown like जो basil के I think leaves का बना होता है. And so जब मेरी wife ने वो देखा तो उसको था कि I wish कि आप ये वाला event दौड़ो और मेरे लिए ये लेके आओ. जो उनके क्राइटेरिया थे, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ऑल, दैट लुक वेरी टफ फॉर मी कि आई डोंट नो मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं. बट अगेन देन इन 2016 आई केम टू नो कि इंडिया से कोई रनर हैव बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन स्पार्टाथलोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 34 और 35 ईयर्स. सो उसका नाम था कारेन डिसूजा. From that day मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अब अच्छा इंडिया से भी जा सकते हैं. दे कंसिडर इंडियन ऑल्सो कि हाँ दे कैन पार्टिसिपेट आई थिंक. बट जो उनके क्राइटेरिया से मेरे इवेंट्स मैच करते थे, दैट वॉज वन वॉज स्टेडियम रन 24 आवर वेर आई डिड 190 किलोमीटर एंड अनदर वन वॉज ला अल्ट्रा 222. सो आई अप्लाइड इन मार्च दिस ईयर, सॉरी फेब. आई नेवर थॉट कि आई विल बी सेलेक्टेड बिकॉज जो उनका क्राइटेरिया था एंड जितना मैंने सुना कि दे ओनली सेलेक्ट 300 रनर्स और लाइक दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देर वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 6,000 और 7,000 एप्लीकेशन. सो ठीक है, बट लाइक व्हेन आई सो द रिजल्ट अर्ली मॉर्निंग तो माई नेम वॉज देयर. सो लाइक आई वॉज आई कैन नॉट टेल दैट फीलिंग नाउ, बट आई वॉज सो मच हैप्पी. So from that day I start thinking about that कि हाँ किस तरह से prepare करना है. Like it's total road running from A point to B point, no loop, nothing. So it's like very different experience. And then I read so much about it. तो जो like most of the ultra runners जो world के हैं, they consider it the toughest run as well. So कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी एक डर था कि यार पता नहीं कैसे होगा कि लाइक ठीक है मैं लाइक फास्ट रनिंग करता हूँ बट आई एम नॉट दैट फास्ट कि किसी भी एक कट ऑफ पे मिस हुआ तो उनके पीछे से एक बस चलती रहती है एंड दे कॉल्ड इट डेथ बस, वो आपको उठा के उसमें डाल देते हैं. सो लाइक मेरा मेन फोकस है कि कुछ भी करके उस बस से आगे रहना है जो मर्जी हो जाए, जो पेन होता रहे, बट लाइक आई हैव टू रन दैट कंप्लीट डिस्टेंस. फॉर स्पार्टाथलोन लाइक मेरे तीन कोचेज हैं बेसिकली, इफ आई विल से. फर्स्ट वन इज़ माई वाइफ जो पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट देख रही है. सेकेंड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ विजय पांडे जो ओवरऑल ही इज लुकिंग लाइक ऑल माई ट्रेनिंग, माई डाइट, माई लाइफ स्टाइल कि कहाँ पे अगर उसको लगता है कि नहीं ये चेंज करना है, आप डाइट को इस तरह से कर सकते हो, आपको इतना वेट लूज करना है, इस तरह से रनिंग करना है. एंड द थर्ड वन एंड आई विल से जो की रोल प्ले कर रहे हैं अभी मेरी ट्रेनिंग में, ही इज अल्फ्रेडो फ्रॉम दिल्ली. उन्होंने एक मुझे पूरा रनिंग प्रोग्राम बना के दिया हुआ है कि किस तरह से किस वीक में कितना रनिंग करना है, वीक डेज पे कितना करना है, कितनी पेस पे करना है, वीकेंड पे कितना करना है, और लॉन्ग रन करना है कि लूप में करना है कि किस पेस पे करना है. सो वो सारा प्लान उन्होंने बना के दिया. इवन रेस डे पे मुझे किस डिस्टेंस को कितना किस पेस पे दौड़ना है वो सारा प्लान उन्होंने लाइक ही हैज स्पेंट ऑलमोस्ट 3-4 डेज इन दैट. स्पार्टाथलोन की ट्रेनिंग के लिए लाइक जो मेरे कोच हैं उन्होंने दो चीज़ में डिवाइड किया हुआ है, वीकडेज रनिंग प्लस वीकेंड रनिंग. उन्होंने उस तरह से डिवाइड किया है कि मेरा वीकली माइलेज शुड बी मोर देन 170 और 180 किलोमीटर. सो लाइक मेरा वीकडे में होता है मॉर्निंग में रन मंडे इफ आई से, एंड इवनिंग में फिर जिम होता है जहाँ पे मैं स्ट्रेंथनिंग की अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, कोर की और मेरे अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं. सो वो मैंने जो मेरे ट्रेनर हैं मिस्टर विक्रम कपूर,
उनकी हेल्प से वो मैं कर रहा हूँ. प्लस वीकडेज में मेरा यूजुअली जो मैक्सिमम लॉन्ग रन होता है वो 20 या 25 किलोमीटर होता है. वीकेंड पे मेरा लॉन्ग रन होता है बैक टू बैक, और लाइक पेस मेरा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू वीकडेज. सो एंड अगेन दैट लॉन्ग रन इज़ डिवाइडेड इनटू टू और थ्री पार्ट्स आई विल से. मॉर्निंग में कई बार मुझे मॉर्निंग में करना होता है, कई बार आफ्टरनून में, एंड कई बार इवनिंग में. सो दैट माई बॉडी इज़ अडेप्ट फॉर एवरीथिंग, हीट एज वेल एज इफ रेन इज देयर, और लाइक इवनिंग आवर्स में और नाइट में. सो बट द जो मेरा मेन फोकस है दैट इज़ वीकली माइलेज, दैट शुड बी अराउंड 170 और मोर देन दैट. प्लस तीन दिन मैं वीक में जिम करता हूँ. जिम में एक दिन मेरी लोअर बॉडी एक्सरसाइज होती हैं, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग जिसमें इन्वॉल्व होती हैं. सेकेंड डे मेरा अपर बॉडी एंड कोर का होता है. थर्ड डे मेरा स्ट्रेचिंग एंड योगा सेशन होता है. डाइट इज़ मेन फैक्टर इन योर रनिंग. ठीक है, आप क्रॉस ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो, आप रनिंग भी अच्छे से कर रहे हो, पेस भी आपका अच्छा है, वीकली माइलेज भी अच्छा कर रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट तो आपकी रनिंग आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली. आफ्टर ए ईयर और टू आपको इंजरीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी बॉडी आपको वो रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगी जो शायद आज दे रही है. प्रीवियसली ही वॉज नॉट यू नो फॉन्ड ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट विच हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन रनिंग. सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द एंड्योरेंस, अबाउट अल्ट्रा रनिंग एंड अदर इंटरनेशनल रनर्स. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, व्हाट दे ईट, व्हाट आर देयर प्लानिंग फॉर दिस अपकमिंग इवेंट स्पार्टाथलॉन. आई एम हिज क्रू. So I have a great responsibility to support him and also to support him mentally, because I think it's a mental challenge. It's more the mental challenge because there are so many cutoffs. So there might be a great pressure on him. So I will just work more on relieving that pressure on him. स्पार्टाथलॉन के लिए सिलेक्शन होना इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगेन आपको फिर एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस कि किस तरह से जाना है, आपको कैसे मैनेज करना है. तो मैंने बैठ के अपना पूरा कैलकुलेट किया, देयर फीस, वीज़ा फी, एयर फेयर, स्टे, तो इट केम डाउन अराउंड 3 लाख समथिंग. सो मैंने आई थिंक आई हैव अप्रोच ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स कंपनी, यू कैन से शू और एप्रेल और वॉच और एनर्जी ड्रिंक और फार्मा कंपनीज फॉर स्पॉन्सरशिप. सो मैंने सभी को अप्रोच किया, बट लाइक देर वॉज नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड. सो जब फाइनली लाइक जुलाई तक कुछ भी नहीं हुआ एंड सारा लाइक टाइम ही ज़्यादा नहीं बचा मेरे पास, सो फिर एक सेकंड ऑप्शन था कि ठीक है, ऑनलाइन जो क्राउड फंडिंग होती है, वी कैन स्टार्ट दैट. एंड लकीली आई गॉट पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम देयर. जो एक लाइक लोग मुझे जानते थे या नहीं भी जानते थे, किसी ने आगे रेफरेंस दिया, उन्होंने मेरा रिज्यूमे पढ़ा कि हाँ ठीक है कि बंदा कैपेबल है एंड वी शुड सपोर्ट हिम, बट टिल नाउ आई एम नॉट एबल टू लाइक कम्प्लीट दैट फंड्स. फिर क्या हुआ, आई टॉक टू कोच रविंदर इन दिल्ली. सो व्हाट हैपेंड कि उनका फिर एक इवेंट था रनर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ही सेड के तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हम कुछ ना कुछ करेंगे. सो ठीक है, मुझे था कि लाइक मुझे जाना ही था उस अवार्ड के लिए. ही सिलेक्टेड मी एज अल्ट्रा रनर ऑफ द ईयर अवार्ड. सो आई गॉट देयर एंड लाइक ही गेव मी ए 50,000 चेक. दैट वॉज एक्चुअली ए बिग हेल्प फॉर मी. स्पॉन्सरशिप का ट्रेंड मैं अगर इंडिया में बोलूं, सो लाइक ये बिल्कुल इट्स नॉट गुड एट ऑल. सो देर आर क्राइटेरियाज, अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है देर आर फिक्स क्राइटेरियाज. आप फेसबुक पे इतने फॉलोअर बनाओ, नहीं इंस्टा पे इतने फॉलोअर बनाओ, चाहे वो भले ही आपने परचेज किए हुए हों, कोई उस चीज़ को कंसिडर नहीं करता है. या कितने फेसबुक पे आपके कमेंट्स आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं,
सो वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, कितना उस ब्रांड को आप एंडोर्स कर सकते हो फॉर गुड और फॉर बैड, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, बट लाइक उनको होता है कि हमारा ब्रांड कितना एंडोर्स हो रहा है. सो व्हेन आई टॉक टू फ्यू ब्रांड्स, मैं नाम नहीं उनका मेंशन करना चाहूँगा, तो उनका भी यही था कि वी विल गिव यू किट, शू दे देंगे, टी शर्ट दे देंगे एंड रनिंग शॉर्ट्स दे देंगे, बट लाइक आपको हमारा पूरा फेसबुक पे और इंस्टा पे एंडोर्स करना पड़ेगा, वीक में एक बार करना पड़ेगा, मंथ में इतनी बार करना पड़ेगा, इतने आपके लाइक्स होने चाहिए इंस्टा पे, इतने आपके फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट्स होने चाहिए. सो अगेन मुझे वही लगा कि बिकॉज आई नो सो मैनी अल्ट्रा रनर्स, इवन फुल मैराथन रनर्स एंड हाफ मैराथन रनर्स, दोज आर लाइक मच कैपेबल ऑफ दोज रनर्स हु आर गेटिंग दिस स्पॉन्सरशिप एंड दे आर मोर एलिजिबल फॉर दैट. बट अगेन वही है कि दे आर नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक होती है और उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है. सो इफ़ यू सी के अगर एक जो टैलेंट है उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी लिमिट आ जाती है, वो अपनी जेब से कितना खर्च कर पाएगा, फिर वो अच्छे इवेंट पे या अच्छे लेवल पे जा नहीं पाता, वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाता, तो अगेन फिर वही एक चीज़ वापस आती है कि इंडिया में गुड अच्छे एथलीट्स नहीं हैं. सो गवर्नमेंट की तरफ से भी इफ आई विल से अल्ट्रा में तो अभी उतना नहीं है, बट गुड थिंग इज़ के जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो खुद से रनिंग इवेंट कराते हैं, दे आर अवेयर ऑफ दैट एंड आई थिंक दे आर हेल्पिंग नाउ टू अल्ट्रा रनिंग. इफ अगर मैं बोलूँ लाइक एनी बी स्पोर्ट्स इज डूइंग वंडरफुल जॉब, इवन इन NCR में कोच रविंदर इज डूइंग गुड जॉब, वो जितने नीडिड एथलीट्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं. सो आई थिंक आने वाले टाइम में मे बी सिनेरियो चेंज हो जाए एंड जो नीडिड हैं या जो डिजर्विंग एथलीट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिले. प्लानिंग माई लॉन्ग ट्रेनिंग रन्स ओवर वीकेंड इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. आई फील लकी कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनको अगर मैं कभी रात को 1 बजे या 2 बजे या कभी दिन में सुबह कभी भी मैं बोलता हूँ कि लाइक आई कॉल दैम कि अच्छा मेरा ये प्लान है वीकेंड पे मुझे 80 किलोमीटर करना है, हु इज़ फ्री. आई हैव कनेक्टेड विद दीज पीपल्स. इफ़ आई वॉन्ट टू नेम ए फ्यू, अमित चौहान, सुबोध यादव, धीरज भट्टी, संजीव कुमार. सो लाइक वो चीज़ अपने आप में एक बड़ा फील गुड फैक्टर होता है कि यू हैव सच नाइस पर्सन के जो अपनी रन सेक्रीफाइस करके, अपना टाइम सेक्रीफाइस करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं. मेरे पीछे 8-9 घंटे ड्राइव करना 10 की या 15 की पेस पे कार को, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल के आई हैव सच पीपल इन माई लाइफ. Whenever he runs in any event, he knows himself and the track only. His stamina, his pace and his endurance is marvelous. You know, local running legend person who can run extreme distances. The way he is representing India for the first time, to hamare liye to bahut garv ki baat hai, especially for Chandigarhians. He is a very good personality, good human. Down to earth, he's a very friendly. I think even Amit Guliya has no idea how many runners in India he has inspired. Hi Amit, our best wishes will always be with you. India ko represent karna hamari 130 crore ki janta ko bahut badi baat hai aur hum hamesha chahenge ki aap healthy rahe aur wahan jaake bahut acha perform karte hain. I wish God will run with you on that day and you just finish it very strong. Every mile, we are not with you, but our wishes are with you.